ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके फॉर्मूलाज ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जेई मीन्स में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आज की वीडियो में हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पर बेस्ड जेई में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट बेसिकली अपने को नाइट्रोजन के इन छः ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग विथ नाइट्रस ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है एन टू ओ यहाँ पे एन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा प्लस वन अगर स्ट्रक्चर देखें तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन और ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कलरलेस न्यूट्रल गैस होता है सिंस स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हिंस डायमैग्नेटिक होता है नेक्स्ट आता है नाइट्रिक ऑक्साइड इसका फार्मूला है एन NO, ओ यहाँ पे एन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस टू अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिंपली एन डबल बॉन्ड ओ होता है यह भी एक कलरलेस न्यूट्रल गैस है बट सिंस स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हेंस नेचर पारामैग्नेटिक रहता है इसके बाद आता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है एन टू ओ थ्री एन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो वो हो जाएगा प्लस थ्री अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एन सिंगल बॉन्ड एन होता है एक एन पे डबल बॉन्ड ओ और दूसरे पे एक डबल बॉन्ड ओ और एक कॉर्डिनेट बॉन्ड ओ ये एक ब्लू कलर का एसिडिक सॉलिड होता है एंड सिंस स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सिंस नीचे डायमैग्नेटिक रहता है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑक्साइड को दैट इज नाइट्रोजन डाई इसका फॉर्मूला होता है एन ओ टू यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है प्लस फोर अगर स्ट्रक्चर देखें तो एन पे एक डबल बॉन्ड ओ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो ये ब्राउन कलर का एसिडिक गैस होता है सिंस स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए नेचर पारा मैग्नेटिक होता है अब इसके बाद आता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है एन टू ओ फोर ये बेसिकली एनओ टू का डाइमर होता है एन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो एनओ टू की ही तरह प्लस फोर आता है इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो दो एनओ टू मॉलिक्यूल्स को साथ में लाओ और एन सिंगल बॉन्ड एन के थ्रू ज्वाइन कर दो ये कलरलेस एसिडिक सॉलिड होता है एंड सिंस स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हिंस नेचर डायमैग्नेटिक होता है अब चलते हैं अपने लास्ट ऑक्साइड पे जो कि है डाई नाइट्रोजन पेंटो इसका फॉर्मूला होता है एन टू ओ फाइव एन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो वो आ जाएगा प्लस फाइव अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो एन टू ओ फोर मॉलिक्यूल को लो और एन सिंगल बॉन्ड एन के बीच एक ऑक्सीजन लगा दो ये एक ब्राउन एसिडिक गैस होता है एंड सिंस स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हेंस नेचर डायमैग्नेटिक होता है अब इन कॉन्सेप्ट्स को जेई में आई इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा क्लियरली इनमें से तीन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग है हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक में सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में सो आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा अगर हाँ तो जे मेंस में आए हुए इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करके बताओ एंड ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो